राहुल गांधी के प्रस्तावित हरियाणा दौरे को लेकर पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा ने पंजाबी धर्मशाला में थानेसर विधानसभा से आए समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में अशोक अरोड़ा ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि राहुल गांधी के हरियाणा दौरे पर कार्यकर्ता बढ़ चढ़ कर भाग लें और किसानों की समस्याओं और परेशानियों में उनकी मदद करने आ रहे राहुल गांधी का जोरदार स्वागत करें। अशोक अरोड़ा ने कहा कि राहुल गांधी के स्वागत के लिए पूरे कुरुक्षेत्र में कांग्रेस के झंडे लगाए जाएंगे और एक उत्सव सा माहौल बनाकर राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया जाएगा। जब से केंद्र की सरकार ने किसान मजदूर व्यापारी विरोधी तीन बिलों को पास किया है, तब से लगातार किसान संगठन अपने अपने स्तर पर उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो किसान विरोधी हैं, व्यापारी विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं, मंडी विरोधी हैं, और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी लगातार इस प्रकार से किसानों के साथ मिलकर उसका विरोध कर रहे हैं। और हमारी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी पंजाब से यात्रा शुरू करी है, किसान मजदूर बचाओ यात्रा, और 6 तारीख को देवीगढ़ से चलकर वो पेवा में ट्यूपर बोर्ड रहेंगे, फिर पेवा मंडी में किसानों से मिलेंगे, फिर गीता की जन्मभूमि ज्योतिसर के अंदर जहाँ भगवान कृष्ण ने कर्म का संदेश दिया था, वहाँ से कर्म का संदेश लेकर पूरे देश में जाएंगे और ये किसान मजदूर विरोधी सरकार का अंत करने का काम करेंगे। वहाँ से कुरुक्षेत्र मंडी में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और 7 तारीख को फिर वो पिपली मंडी से यात्रा शुरू करके करनाल का समापन करेंगे। उस सिलसिले में कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई है और कार्यकर्ताओं में इस बात के लिए बड़ा उत्साह है कि जिस प्रकार दलित की बेटी के साथ हाथरस में हुआ, उसके साथ रेप हुआ, उसके हत्या कर दी, हिंदू संस्कृति को भूलकर किस प्रकार उन्हें जलाने का काम रात को किया गया, वहाँ पर जाके जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, उस बेटी को इंसाफ मिले, अब किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं उनके साथ हैं, उनके जोश की बड़ा क्षेत्र सजाया जाए। कल राहुल स्वागत के लिए, राहुल गांधी के स्वागत के लिए जो हमसे संभव होगा हर कार्यकर्ता उसमें अपना योगदान दे। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।